A very good afternoon, class 10th and class 12th. Your board result has been declared and you all have your queries regarding the board result. So this particular video is made to take into account all your questions about the result. Now, this video will take up how is the mark weightage decided by the CBSE for your term 1 and term 2? What is the status of the revaluation that was asked for? टर्म वन में जो आपने रिवैल्यूएशन के लिए पेपर दिया था उसका क्या हुआ, क्लास 11th में मैथ्स ऑप्शन लेने का क्या क्राइटेरिया है, कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा, नेक्स्ट ईयर का बोर्ड एग्जामिनेशन कब होगा. सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर इट आफ्टर यू आर डन विद इट. एज यू वेरी वेल नो द टर्म वन पेपर वॉज एन ऑब्जेक्टिव पेपर एंड टर्म टू वॉज अ सब्जेक्टिव पेपर. द CBSE हैज checked with all sources by common analysis, surveys, और ये तय हुआ कि first term के examination was objective. बच्चे उससे बहुत खुश नहीं थे. There were unfair means also and the weightage given to the term 1 examination therefore is only 30%. So your score that you've got, जो आपका result अब आया है वो term 2 के basis पे है जिसकी weightage 70% है. This is the important information for each one of you. इसका मतलब जो आपका रिजल्ट आया है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट 70% क्रेडिट इज फॉर द अभी वाला बोर्ड एग्जाम जो आपने दिया था. टर्म वन की वेटेज बहुत कम है एज कंपेयर टू टर्म टू. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स का क्या हुआ, इट हैज इक्वल वेटेज. जो आपके मार्क्स टर्म वन में आए थे और टर्म टू में आए थे दोनों की वेटेज बराबर रखी गई है एंड योर मार्क्स आर 15 मार्क्स. अगर टर्म वन में जितने मार्क्स आपके आए थे 15 मार्क्स का टर्म टू था, दोनों को ऐड करके 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं. नो चेंज इन द वेटेज. रिवैल्यूएशन ऑफ द टर्म वन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिवैल्यूएशन के लिए पेपर दिया था. इट हैज़ बीन डन. आपको अगर नहीं भी बताया है तो आपके जो भी मार्क्स आए थे दैट हैज़ बीन कंसिडर्ड. इसका मतलब अगर आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए थे तो यही वाले मार्क्स लिए, लेकिन अगर आपके मार्क्स डिक्रीज हुए हैं तो ये वाले मार्क्स नहीं लिए हैं, ज़्यादा वाले मार्क्स ही CBSE ने लिए हैं. मतलब इट वॉज नॉट अ लॉस. अगर आपका पेपर रीचेकिंग में कम भी आए थे मार्क्स तो जो हायर मार्क्स थे वो ही CBSE ने डाले हैं. ओके, नाउ if you are opting for math in class 11th, initially it was decided that only students of maths advanced can take the class 11th maths. Now it has been changed, even if you have basic maths then also you can opt for math in class 11th as given in the latest circular of the CBSE. तो अगर आपके पास बेसिक मैथ्स था क्लास 10th में तो भी आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स ले सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट एग्जाम, अगर आपका कोई एक पेपर खराब हो गया है या आपका कंपार्टमेंट आया है देन इन दैट केस यू कैन ओनली गिव वन सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम या फिर अगर आपको इम्प्रूवमेंट का पेपर देना है तो. ये पेपर कब होगा, 21st August, दैट मीन्स करीब करीब एक महीना आपके पास. यू कैन स्टिल स्टार्ट स्टडिंग. 1 month के आसपास से ये पेपर शुरू हो जाएंगे और आप एक ही पेपर दे सकते हैं. सिलेबस क्या होगा, ओनली टर्म टू एंड द पेपर वुड बी सब्जेक्टिव, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. मूविंग टू द लास्ट, नेक्स्ट ईयर का बोर्ड एग्जामिनेशन कब होगा, दे विल बिगिन फ्रॉम 15th February 2023. जब 15th February CBSE बोलते हैं तो नॉर्मली ये वाले पेपर्स दूसरे स्ट्रीम्स, द मेन सब्जेक्ट पेपर्स रफली बिगिन बाय 1st of March. These are the other languages and art related subjects जिनमें ये early start होते हैं. So for the new batch of students, please don't wait. Your exam will not be late. We have started from early session. So these students of class 10th and 12th of next year, your paper is from 15th of February. Please gear up. Fine. I hope I have given you all information that you required for your board result this year. I wish you luck in life and hope that all of you did awesomely well in your board examination. Bye. Keep sharing the video to give clarity to the other students. Okay. Bye.